मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए, उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए, बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए, और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी उसने कहा, हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है, राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है, और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है मंगुंटा रेड्डी सांसद पर, रेड होती है 16 सितंबर 2022 को, और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो बयान दो बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान, 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का, और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में, अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है, उसने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है, और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है, और वो बदल जाता है, वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान, ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है, और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, यानी ऐसा बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं था उस पर ईडी ने कहा हमें इस पर भरोसा नहीं है। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया, और जब हमारे वकीलों को कोर्ट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान, उनके होश उड़ गए। आपको पता है उनके होश उड़ गए? बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं, और बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जाता है। अब ये मंगुंटा रेड्डी
और राघव मंगुंटा है कौन, जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा, मैं चाहूंगा यह तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए यह तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है, 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश? एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है, जिसको भाजपा कहती है घोटालेबाज है ये, जिसको कहती है ईडी कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इसको गिरफ्तार करेंगे, हम इसको जेल में डालेंगे, जब उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोकतंत्र में। यह इस केस की सच्चाई देश के लोगों जान लो। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है यह है, और जो बयान छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में, कोर्ट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर ईडी के दफ्तर पर, जिसको अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में ईडी ने रखा है, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे भरोसा नहीं है, शुरुआती सारे बयान जिस पे भरोसा नहीं है, वो बयान जो उसने सही सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पे भरोसा नहीं, उसको छुपा लिया, बोले छुप जाओ बेटा। अब इसमें एक और ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, और यह है भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर, और यह है वो चुनाव प्रचार कर रहा है, टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है, और यह है भारत का प्रधानमंत्री, इस फोटो में सबसे ऊपर उनकी तस्वीर है, वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हमको वोट दे दीजिए।